प्रदेश में डिप्टी सीएम और मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति के मामले में आज हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। डिप्टी सीएम और सीपीएस की नियुक्ति को भाजपा ने चुनौती दी है, जिस पर कोर्ट में आज सरकार अपना पक्ष रखेगी। साथ ही साथ राज्य सरकार ने हिमाचल हाईकोर्ट से इस केस को सुप्रीम कोर्ट के लिए ट्रांसफर करने की पिटिशन भी डाली है। इससे पहले भी लंबी चौड़ी बहस इस पूरे मामले पर हो चुकी है, तो सीपीएस और डिप्टी सीएम की नियुक्ति को लेकर बवाल लगातार प्रदेश में छिड़ा हुआ है। हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंच गया है और आज भी हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। दोनों ही पक्ष आज अपने अपने जवाब रखेंगे, उस पर बहस की जाएगी और देखना होगा कि क्या नया मोड़ इस पूरे मामले पर आता है।